जैसे आप टैप करेंगे बूस्ट जो स्टार्ट होगा, यहाँ पे आपको बूस्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो आइटम्स जो अवेलेबल है, ठीक है। जब आपने अपने डिवाइस को बूस्ट किया है तो 159 MB की जो मेमोरी, मतलब इसको ऑप्टिमाइज करना होगा। यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ चुकी है, मतलब 91% तक आपका आ चुका है। अगर आप भी Realme या फिर Oppo का डिवाइस यूज करते हैं तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपने डिवाइस को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कंटिन्यूअसली जो है डिवाइस को यूज करने के बाद हमारा डिवाइस जो है कुछ स्लो वर्क करता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन अपने डिवाइस को करना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि आप आने वाले जो फंक्शन होते हैं या फिर यूज करने वाले जो आप फ्यूचर में यूज करेंगे फंक्शन, उन फंक्शन को आप जो ऑप्टिमाइज कर पाए, और साथ में बूस्ट करने के बाद जो आपके डिवाइस में पावर है वो फिर से यहाँ पे जो है रिड्यूस हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आज की इस वीडियो के थ्रू बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने डिवाइस में जो है यहाँ पे बूस्ट को कर सकते हैं, वन टच ऑप्टिमाइजेशन को यहाँ पे सिंगल क्लिक में जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छा फीचर मिल जाता है आपको रियलमी या फिर ओप्पो के डिवाइस में, ठीक है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, मैं बात करने वाला हूँ इसी फीचर के बारे में। और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। एंड साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो टेलीग्राम भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने डिवाइस को जो ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं, बूस्ट अप करना चाहते हैं, तो यहां पे मैं बता देता हूं कि आपको इसके लिए करना क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको फोन मैनेजर को ओपन कर लेना है अपने डिवाइस में, ठीक है। आपको यहाँ पे मेन्यू ड्रॉअर पे जो है मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फोन मैनेजर, ठीक है। आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हैं कितने परसेंट परफॉर्मेंस है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं 83% जो इसकी परफॉर्मेंस है। कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम है इस डिवाइस में, ठीक है, हमारा डिवाइस पूरी तरीके से बूस्ट अप नहीं हुआ है, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन इसमें कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके कारण हमारा ये जो यहाँ पे रेट है, हो सकता है कि आने वाले समय में अगर हम और फंक्शन यूज करें तो ये रेट जो है कम हो सकता है, 83 के बाद जो है यहाँ पे 80 तक आ सकता है, 75 तक, 70 इसी तरीके से घटता चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं, तो सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पे मिलता है चेक अगेन का एक ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको टैप कर देना है, ठीक है। जैसे आप टैप करेंगे तो टैप करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा वन टच ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, आपको सिंपली जो इस पर टैप कर देना है, ठीक है। जैसे आप टैप करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सारा चीज यहाँ पे बूस्ट जो स्टार्ट होगा। और फ्रेंड, जैसे ही आप इस पर टैप कर देंगे तो आपका ये कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप नीचे की साइड में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको बूस्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो आइटम्स जो अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आपने अपने डिवाइस को बूस्ट किया है तो 159 MB की जो मेमोरी, मतलब जो भी यहाँ पे डेटा था, मतलब जो फालतू डेटा था, वो यहाँ पे जो है इरेज हुआ है, ठीक है। अभी फिलहाल आपको अभी करना क्या होगा, ये 83 है, तो यहाँ पे सबसे पहले चले आना आपको, यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है टर्न ऑफ डेवलपर ऑप्शन, ठीक है। आपको सिंपली इसको ऑप्टिमाइज करना होगा, देख सकते हैं यहां पे इसकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ चुकी है, ठीक है। एंड जैसे आप इतना वर्क कर रहे हैं उसके बाद आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे गो पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे इसको स्मार्ट प्रोटेक्शन को ऑन कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पे स्मार्ट प्रोटेक्शन जैसे आप ऑफ ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 88% हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे आप नीचे जो है साइन इन आप कर सकते हैं, ठीक है, क्लाउड में, ठीक है, इसको और भी इंक्रीज करने के लिए। एंड यहाँ पे नीचे भी जो है आप जो है डेटा को बैकअप करने के लिए यहाँ पे आप जो है इसको अलाउ करके जो है इसको टर्न ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपको सिंपली एक मिलता है ऑप्शन रीस्टोर ऑटो स्क्रीन ऑफ टाइम आउट, ठीक है। तो सिंपली इसको यहाँ पे टर्न ऑन कर देना, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका बूस्ट अप जो है यहाँ पे काफी हद तक जो है क्लियर हो चुका है। फ्रेंड्स, आप अगर यहाँ पे जो है साइन इन वगैरह भी करते हैं तो आपका ये 100% हो जाएगा, बट यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप साइन इन करें, ठीक है। फिलहाल आप इतने में भी काम चला सकते हैं, मतलब 91% तक आपका आ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीन चीज आपने ऑप्टिमाइज कर लिया, ठीक है, आराम से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका बूस्ट अप हो चुका है, ठीक है। आपको करने के लिए जब आप यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका बूस्ट अप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे सबसे पहले बूस्ट अप का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप वापस करते हो सबसे पहले आपको बूस्ट अप का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं आपका ये बूस्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इस तरीके से अपने डिवाइस में जो है यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको अगर 100% करना है तो 100% के लिए आपको सारी चीजें जो है जो जो इंस्ट्रक्शंस मांगेंगे हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। आप कहीं ना कहीं आप अपने डिवाइस में पहले के कंपैरिजन में जो इसकी पावर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट देख सकते हैं उस पावर में, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो हल्की हल्की यहाँ पे दूर हो सकती है और ऑप्टिमाइजेशन आपके डिवाइस में जो है हो सकता है, जिससे आप जो आने वाले समय में एक बेटर एक्सपीरियंस जो है यूज कर सकते हैं अपने डिवाइस में। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें हमारे वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।